हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको टीपू सुल्तान की कहानी बताई थी। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले एक बार आपको वो बताता हूँ मैं, मतलब पीछे से रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा, तो आपको रिलेट करने में मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। जैसे ये इंडिया था, ठीक, हमने क्या देखा कि कंपनी जो थी, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने रूल को एक्सपेंड करते जा रही थी। तो बंगाल में उसने किस तरह से एक्सपेंड किया, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह सब कुछ जीत लिया, हार लिया, ठीक। फिर हमने पूरा जो मैसूर वाली कहानी थी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, वो सारा सब कुछ पढ़ा, वो हो गया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या फिर कह सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपना रुख किस तरफ घुमाती है, मराठा एम्पायर की तरफ घुमाती है। मतलब मराठास को देखती है अब कि हाँ, ये मराठा एम्पायर जो, इसमें भी बहुत सारी इनके पास टेरिटरी है, इनसे कैसे टेरिटरी जीती जाए, ठीक है। तो अब हम वॉर विथ मराठास को देखने से पहले मराठा एम्पायर को समझते हैं कि मराठा एम्पायर क्या था। दिखती बात है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो लड़ने वाले हैं किससे, मराठा रूलर्स के साथ में, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि मराठा एम्पायर था क्या, ठीक। तो अब सबसे पहली चीज अगर देखी जाए तो मराठा एम्पायर अगर आप देखते हो ऐसे ब्रॉड लेवल पे, तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो, यहां से चीजें बदल जाती है, इंडियन हिस्ट्री यहां से भी टर्न होती है। क्यों? क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के पहले तक मराठा से एक पावरफुल रूलर की तरह थे। अब यहां पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, एक मूवी आई है अर्जुन कपूर की, कौन सी मूवी, पानीपत ही नाम है उस मूवी का। तो उस मूवी को देखोगे तो आपको कुछ स्टोरी समझ में आएगी कि मराठा सोचते हैं कि वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगर जीत जाते हैं तो वो दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, दिल्ली पे कब्जा कर लेते तो ब्रिटिशर्स को भगा देते वहां से वो, लेकिन वो बैटल नहीं जीत पाते हैं, दिल्ली पे कब्जा नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी चीजें वहां से चेंज हो जाती है। तो इनका जो विजन था किस चीज को लेकर, दिल्ली को कब्जा करने को लेकर, या फिर दिल्ली का सिंहासन अपने अंडर में लेने को लेकर, तो इनका ये सपना नहीं पूरा हो पाता मराठास का, और उसी के चलते क्या है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी उसमें वो हार जाते हैं, मराठास वर डिफीटेड इन दैट इन 1761। अब यहां से क्या हो रहा है, वही मैंने आपको बताया था, वैक्यूम जहां रहेगा वहां पे पावर बढ़ती जाती है। तो वैक्यूम यहां पे थी, कैसी वैक्यूम थी, कि कोई मेजर पावर नहीं थी, शाह आलम टू थे दिल्ली पे, तो मैंने बताया था शाह आलम टू को बैटल ऑफ बक्सर में हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक। तो कोई मेजर पावर बन नहीं पाए थे मराठास भी उस समय, उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, वो भी हार गए थे, छोटी छोटी पावर्स थी। और मराठास जो थे, तो मराठा पूरा का पूरा एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था, मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स सरदार्स, ठीक है। तो मराठा एम्पायर जो था, मराठा एम्पायर में क्या कर दिया, अलग अलग, पूरे एम्पायर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, अलग अलग चीफ होते थे, ठीक है, और उन चीफ्स को क्या कहा जाता था, सरदार कहा जाता था। तो पूरा का पूरा मराठा एम्पायर वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, और हर पार्ट का जो लीडर होता था, हर पार्ट का जो चीफ होता था, उसे सरदार कहा जाता था, ठीक है। अब देखो क्या है, तो जैसे अगर देखे कौन कौन से चीफ थे, तो सिंधियाज, ठीक, सिंधियाज आज भी हैं जैसे, तो ग्वालियर, ग्वालियर वाला जो एरिया है वो पूरा सिंधियाज के अंडर में था। फिर बात करते हैं होलकर, तो होलकर कहां पर, इंदौर में, ठीक है। जैसे आपको मैं अगर एक ब्रॉड उस पर बताता हूं, तो ये सेंट्रल पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, ऊपर की तरफ ये ग्वालियर, यहाँ पे सिंधियाज है, ठीक है, तो यहाँ पे एस लिख देते हैं सिंधियाज। फिर होलकर इंदौर, तो ये वाला जो पार्ट था इंदौर, यहाँ पे कौन हो गए, होलकर हो गए, ठीक है। फिर अगर गायकवाड़ बात की जाए, बड़ौदा, तो ये यहाँ पे गायकवाड़ हो गए पूरे, ठीक, ये गायकवाड़ हो गए। फिर भोंसले जो थे, तो नागपुर, भोंसले नागपुर कहाँ पर, मध्य प्रदेश के नीचे, यहाँ पे भोंसले, ये भोंसले हो गए, ठीक। और उसके बाद में ये चार चीफ्स ये हो गए, और उनके बाद में जो ये चारों चीफ्स जो थे, तो चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर बेस्ड इन पुणे। तो और एक जो अलग कॉन्फेडरेसी स्टेट हुआ करता था वो पेशवा होते थे, जो पुणे में थे, यहाँ पे ये पुणे पी से, पुणे पी से पेशवा, पेशवा यहाँ पुणे से रूल करते थे। तो इस तरह से मराठा एम्पायर पूरा था, जो हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पर मराठा एम्पायर का दबदबा था, मराठा एम्पायर की पूरी एक्सटेंड थी, इस तरह से फैला हुआ था। अब क्या होता है, कॉन्फेडरेसी मतलब क्या होता है, एक तरह से अलायंस होता है। तो जो पेशवा होते थे वो बाकी दूसरे चीफ्स को अपने साथ मिलाकर रखते थे, कि दूसरे चीफ्स क्या हो, ऐसा ना हो कि वो आपस में ही लड़े। तो पूरा मराठा एम्पायर इस तरह से बना रहता था। तो पेशवा की पोजीशन ज्यादा ऊपर रहती थी, पी से पेशवा, पी से पोजीशन, पी से पुणे, तो वो सारी चीजें पेशवा के अंडर में रहती थी, ठीक है। तो पेशवा की पोजीशन ऊपर रहती थी, इन्हें प्रिंसिपल मिनिस्टर की तरह कंसिडर किया जाता था, ठीक। अब क्या होता है, तो अब ये पेशवा हो गए, अब इनमें अगर हम बात करें तो कुछ प्रोमिनेंट सोल्जर्स जैसे महदजी सिंधिया, फिर उसके बाद में नाना फडनीस, वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स। तो ये कुछ फेमस मराठा सोल्जर्स थे जिनके चलते मराठा एम्पायर को, मराठा एम्पायर बोलने में अपने आप पे गर्व होता था, और नो डाउट एक पावरफुल एम्पायर था।
और ब्रिटिशर्स को भी दिख रहा था कि इस पावरफुल एम्पायर को अगर हम हड़पने की कोशिश करेंगे, हराने की कोशिश करेंगे या फिर किसी तरह से इनके साथ चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। पता है ये मैंने आपको हर वीडियो में कह रहा हूँ मैं, ये कि बड़े चालाक थे ब्रिटिशर्स, तो ये देख रहे थे कि जब तक कह सकते हैं कि पावरफुल था कौन मराठा एम्पायर, तब तक उन्होंने किसी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं, मतलब सोचा भी नहीं कि हमला करें, लेकिन जहां उन्हें कहीं वीकनेस समझ में आती थी वो वहां पर हमला करते थे। तो ये महादजी सिंधिया जो जिनका भी नाम बताएं और ये नाना फडनीस, ठीक। फिर क्या होता था, नो डाउट मराठास वर अ मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर। तो कंपनी के मन में इच्छा जरूर थी कि मराठा पावर को भी हरा देंगे तो इंडिया की जो टेरिटरी उसका बहुत सारा पार्ट हमारे अंडर में आ जाएगा। तो ये आखिर किया कैसे कंपनी ने, ठीक है। तो लेट 18th सेंचुरी अगर बात की जाए तो 1725 के आसपास, उसके बाद से धीरे धीरे अलग अलग चीजें बदलती चली गई, लड़ाइयां होती है। जैसे हमने एंग्लो मैसूर वॉर देखी ना, उसी तरह से यहां पर भी लड़ाइयां होगी, किसकी, एंग्लो मराठा वॉर होगी, मराठास के साथ लड़ाई लड़ते हैं। पहली लड़ाई में बहुत बुरी तरह से हारते हैं और फिर हारने के बाद क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, बोलते हैं कि अब 20 साल तक नहीं लड़ेंगे हम। तो वही सारी चीजें, कौन कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुआ, लड़ाई का परिणाम क्या निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया, यही सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो से आपको क्या समझ में आना चाहिए, जो आपकी टॉपिक है, कौन सा टॉपिक आपका, वॉर विद मराठास, तो उसमें जो मराठा एम्पायर को समझाया गया फर्स्ट पैराग्राफ में वो हमने समझ लिया, स्टोरी ऑफ द मराठा एम्पायर। आई होप अब आपको एक बेसिक पिक्चर समझ में आ गई कि मराठा एम्पायर था क्या, किस तरह से था, अब इतने मजबूत एम्पायर में किस तरह से सेंध लगाई जाएगी, किस तरह से ब्रिटिशर्स उसे कमजोर करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वॉर विद मराठास के नाम से, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrainsbhopal.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।